आज फिर कोरोना के दो संक्रमित मरीज पानीपत में मिले हैं, जिनका इलाज अब पानीपत के सामान्य अस्पताल की बजाय आज उनको खानपुर भेजा गया है और उनके क्लोज कॉन्टैक्ट को भी स्वास्थ्य विभाग ट्रेस कर रहा है। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक यह जानकारी पहुँचे। आपको बता दें कि पानीपत में लगातार 3 से 4 दिन से आपको जो संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में अब सब लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आज जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनकी हम आपको बता दें, एक काबड़ी गांव से है जो कि 39 वर्षीय पुरुष है और वो गुरुग्राम से लौटा था, और गुरुग्राम से लौटने के बाद उन्हें 15 तारीख को उनका सैंपल लिया गया था और उन्हें होम आइसोलेट किया गया था। उसके बाद उसकी रिपोर्ट आज पॉजिटिव पाई है। वहीं सुखदेव नगर से भी 49 वर्षीय व्यक्ति जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उनका निजी अस्पताल में जो है इलाज चल रहा था और वहां पर उनका सैंपल लिया गया जिसकी रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है। हमने सबसे पहले आपको सिटी तहलका के माध्यम से बताया भी था, और अब आपको ये बता दें कि जो पानीपत में जो सैंपलिंग की संख्या है वो भी सबसे ज़्यादा जो है की जा रही है। 6,500 से भी ज़्यादा सैंपल किए जा चुके हैं, जिसमें अभी भी 305 रिपोर्ट का अभी परिणाम नहीं आया है। और ये भी आपको बता दें कि पानीपत में अब जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कुल संक्रमित जो संख्या है वो 111 हो चुकी है, तो वहीं 82 केस जो हैं वो कोरोना को मात देकर घर लौट चुके हैं, 5 की मौत हो चुकी है। तो वहीं अब एक्टिव केस की यदि बात की जाए तो एक्टिव केस पानीपत के अंदर अब फिलहाल 24 हैं, और तमाम जानकारी हम सिटी तहलका के माध्यम से आपको दे रहे हैं। यही कि अब जो दर्शक जुड़े हैं उनको फिर से बता दें कि आज फिर कोरोना के दो संक्रमित मरीज जो है पॉजिटिव पाए गए हैं, और एक काबड़ी गांव से हैं, 39 वर्षीय जो गुरुग्राम से लौटा था। वहीं निजी अस्पताल में एक का इलाज चल रहा था, प्राइवेट लैब से उनकी जो है सैंपलिंग की गई थी, सैंपलिंग करने के बाद आज उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सुखदेव नगर का रहने वाला है जिनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। तो इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में जानकारी जुटा रहे थे सिटी तहलका के माध्यम से। हम उनको बता दें कि पानीपत के निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, सुखदेव नगर का जो है व्यक्ति रहने वाला है, और दूसरा जो कोरोना से संक्रमित पाया गया है जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनका एक गांव काबड़ी से है, 39 वर्षीय युवक है, गुरुग्राम से 15 तारीख को लौटा था वो। तो ऐसे में जो स्थिति है अब कुल पानीपत में जो संक्रमित होने की जो संख्या है वो 111 हो चुकी है, वहीं एक्टिव केस 24 रह चुके हैं। 82 केस ऐसे हैं जो कोरोना को मात देकर घर लौट चुके हैं, तो दूसरी तरफ 5 मौत का आंकड़ा भी पानीपत में जो है सामने आया है। तो ये तमाम खबरें हम सिटी तहलका के माध्यम से आपको बता रहे हैं, और ऐसे ही आगे फिर सबसे पहले सटीक जानकारी आपको देते रहेंगे। लगातार इस तरह की जो कोरोना का जो संक्रमण काल है वो अपने पैर पसारता जा रहा है, ऐसे में सब लोगों को सतर्क रहने की सिटी तहलका अपील करता है, क्योंकि लगातार जो कोरोना का काल है वो अपने पैर पसारता जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमें प्रिकॉशंस के साथ बाहर निकलना चाहिए ताकि किसी प्रकार का कोई संक्रमण न फैले, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपके घर तक कोरोना दस्तक दे सकती है। इसलिए सावधान सबसे बड़ी जो है सुरक्षा है, हमें सावधानी ही रखनी चाहिए, क्योंकि अभी तक इस तरह का कोई भी कोरोना का इलाज नहीं मिला है। हालांकि जो है रिकवर रेट जो है इसका बहुत ज़्यादा है, और हरियाणा के अंदर तमाम ज़िलों की यदि बात की जाए तो रोज़ाना जो कोरोना के संक्रमण के केस सामने आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं बेहद ही चौंकाने वाला विषय है। इस विषय को देखते हुए हम सब लोगों को सीख लेनी चाहिए, और अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों को भी जो है प्रिकॉशंस के साथ लोगों को अवेयर करने की कहना चाहिए, ताकि समयबद्ध संक्रमण को रोका जा सके। तमाम अपडेट सिटी तहलका के माध्यम से ऐसे ही देते रहेंगे, लगातार जुड़े रहे सिटी तहलका के साथ। यदि आप YouTube पर इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि आप Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक
और फॉलो करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस खबर को शेयर करें और अपनी राय जो कि हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है वो कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।